बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से आज की वीडियो को करते हैं जी स्टार्ट। तो मेरी तरफ से सबसे पहले आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। 14 अगस्त, आज ही 14 अगस्त है। तो इंशाल्लाह आज हमारा एक फंक्शन सेमिनार है जी, मूसाल मियाँ वाली यूनाइटेड सन एंड सिस्टर, ये जी डॉक्टर हनीफ खान साहब करा रहे हैं, जो कि मियाँ वाली के उन बच्चों के लिए ये हो रहा है फंक्शन जो पढ़ नहीं सकते, तलीम हासिल नहीं कर सकते, तो उनकी मदद की जाए। तो उस सिलसिले में आज सेमिनार है, तो हसन भाई खानी लोग आपने देखा होगा, तो वो भी वहाँ पर हैं, तो वो और मैं हम जा रहे हैं जी सेमिनार में, तो वहाँ आपको चल कर दिखाएंगे। तो अभी हमने जाना है राजमहल मार्की यहाँ मियाँ वाली के अंदर हॉल के अंदर। तो अभी हसन भाई आते हैं, तो चलते हैं जी, आपको दिखाते हैं कि वहाँ का क्या माहौल। मैंने आपको बताया था, तो हम अब पहुंच चुके हैं हॉल के अंदर, और हमारे साथ बहुत ही बड़ी पर्सनैलिटी जनाब हसन भाई। अभी हॉल पे नहीं पहुंचे, वो हॉल सामने खड़े वो खड़ा सामने, लेकिन अभी बाहर तो पहुंच चुके हैं ना। वैसे हम बाहर आ गए, पर कुछ ही देर में हम अंदर, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई यार, बस थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा चल के जाना, थोड़ा सा तो आगे हॉल आ जाएगा नजर। तो ये जी मूसास तंजीम, जिसके बाद आज ये फंक्शन होने वाला है, ये जी डॉक्टर हनीफ खान नियाज़ी, जो कि मूसास के बानी हैं, उन्होंने ये मियाँ वाली के पासमानदा इलाकों में जो बच्चे पढ़ सकते हैं, जो नहीं पढ़ सकते, मियाँ वाली में यूनिवर्सिटी लेवल का इतना अच्छा कोई इंतज़ाम नहीं था, तो इसलिए उन्होंने सोचा है कि मियाँ वाली के अंदर भी कोई ऐसा इंतज़ाम लाया जाए, मियाँ वाली से जहालत को कम किया जाए। तो इसलिए ये हसन भाई आगे हमें बताएंगे कि तो इसी सिलसिले में डॉक्टर हनीफ खान नियाज़ी ने समझो एक बेड़ा उठाया, और बहुत ही अच्छा कदम, जो पहली बात है कदम उठाना बहुत मुश्किल होता है, आगे चीज़ बड़ी आसानी से हो जाती है। तो मूसास के नाम से एक तंजीम बनाई है, जो कि उसी पासमानदा इलाकों को एजुकेट करने के लिए, ऊपर लेकर जाने के लिए, ताकि एक मजदूर का बेटा मजदूर ना बने, बल्कि वो इंजीनियर, डॉक्टर या वकील बने। तो इस सिलसिले में यार ये फंक्शन है, 14 अगस्त भी है, तो आगे आशिर खान ऑफिशियल के साथ रहिएगा। अंदर जाके डॉनेशन ग्रुप, अगर उसका कोई नुमाइंदा मौजूद है तो
थट्टी शरीफ ब्लड डोनेशन मलिक अब्दुल कुदूस नाज आवान साहब मौजूद हैं, हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। आमद का सिलसिला जारी है। मोहतरम अल-मकाम जनाब सीओ साहब सीओ एजुकेशन तशरीफ ला चुके हैं, हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि वो तशरीफ ले आएं और स्टेज पे जलवा फरोज हों। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एजाज हासिल करेंगे हाफिज खुरम शहजाद साहब। इल्तमास गुजार हूँ कि वो तशरीफ लाएं। रसूले हमें खातमुल मुरसली है अकेदाये अपना। दो सौ वक्त की मुस्लिम सोसाइटी है, बड़े सगीर का मुस्लिम मुआशरा है, वो जिन समाजी बुराइयों में जकड़ा हुआ है उनको खत्म किया जा सके, यही साइंटिफिक सोसाइटी 1872 में मुहम्मदन एजुकेशन नेल्सन मंडेला ने कहा कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। और ये वो बंदा कह रहा है जिसके जनाजे पे दुनिया भर के सरबराहान ने शिरकत की, उसका दीदार किया, आज वो कोर्ट हो रहा है, हर जगह हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? वो ये कह रहा है कि एजुकेशन आपका सबसे बड़ा हथियार है जो आप किसी सोसाइटी को चेंज करने के लिए, दुनिया को चेंज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी शादी में किसी गवैये को बुलाता है तो उसी मोहल्ले का दूसरा बंदा भी अपने बेटे की शादी में उसकी कॉपी करना, बल्कि उससे बढ़कर कॉपी करना अपने लिए लाजम समझता है। कोई एक बंदा घोड़ा लेता है तो दूसरा बंदा भी मुकाबले में ले लेता है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि शायद मेरे मुकाबले के लिए कोई बंदा सीने पे हाथ मार के आ जाए, कहे कि भाई आप अगर कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। हमें खबर है कि हम हैं चराग आसर शब, हमें खबर है कि हम हैं चराग आसर शब, हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है, वमा अलैना इल्ला अल-बलाग। हमें खबर है कि हम हैं चराग आसर शब, हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है। बिलाशुबा ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया शाहनवाज अर्शद भाई। अलखिदमत फाउंडेशन ज़िला मियांवाली की जानिब से एक ऐलान मुझ तक पहुंचा है कि इस साल 100 यतीम बच्चों और बच्चियों को मुकम्मल तालीमी सरपरस्ती का ऐलान करती है। अपने इलाका के यतीम बच्चों और बच्चियों के कवायद डॉक्टर हनीफ न्याजी जो कि हमारे नायब सदर हैं उनको जमा करा सकते हैं। अब्दुल रहमान फारूक, अब्दुल रहमान फारूक साहब ने अलखिदमत फाउंडेशन जिला मियांवाली की जानिब से 100 यतीम बच्चों और बच्चियों के मुकम्मल तालीमी सरपरस्ती का ऐलान किया है। बहुत शुक्रिया। दारुल एहसान वेलफेयर सोसाइटी बताखेल मियांवाली, उनके लीडिंग पर्सन की मौजूद है तो तशरीफ लाए और अपना सर्टिफिकेट वसूल करें। दारुल एहसान वेलफेयर सोसाइटी बताखेल मियांवाली अपना सर्टिफिकेट वसूल करते हुए। सहारा वेलफेयर तंजीम दाऊद खैल सनाउल्ला खान दाऊद खैल यहाँ पर मौजूद, वो तशरीफ लाए और अपना सर्टिफिकेट वसूल करें। सहारा वेलफेयर तंजीम इस्तकबाल कीजिए। 2017 में बिस्मिल्लाह की थी आई इसी दिहाड़े फ्लेवर सिटी दे बाग और असें दुआ मंगी है कि या अल्लाह साको तौफीक दे कि साढ़े कोई भी मियाँ वाली का धी पुत्र आवे तो वो आखे कि मैं FSC कर गया तो मैं अगो 5 साल का खर्चा ना जा सकता तो सा उसको हाँ ना ला के देखा पुत्र आज तो बाद ये टेंशन नहीं गिरनी। मेरे नाल भाई शाकिर जफर न्याजी साहब तारिक इकबाल खान तुम्हारे जो सारे भरा फेसबुक से जेरा आज तक मेरे को लाइक भी दिता है तो उन्होंने मैं बराबर का हिस्सेदार समझेना उस मिशन
मेरे ते अल्लाह राजी थी पिया और मैं ये अहद कर दिता कि मैं 100 बच्चों को पढ़वे सा कोई सुनीत वेला अल्लाह सुन के दी और मेरे को अल्लाह पाक भेजना शुरू कर देते। इस वक्त टोटल सारे को 63 बच्चे और उस 3 बच्चे ऐसे हैं कि जेरा को मेरे फिराए के सामने बैठे है। एक शाह साहब इन इस्लामाबाद वो आ को नहीं सके तो एक सऊदी अरब में भाई होने उन्हें 63 बच्चों चो 3 बच्चे उन्हें संभाल के थे। बाकी सारे बच्चों को अल्लाह मेरे को तौफीक दी और मैं अल्लाह के लिए उन्होंने मदद की थी। उस गलो मैं आखता कि मैं एक बंदे को गया उस वक्त करोड़पति है मियाँ जी का बहुत बड़ा पठान आई अल्लाह पाक उसको जन्नत में जा रहे हुए बहुत थी गए। उसको मैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के तौर पर गया तो उसने को आका चूक छोड़ा ये रिकॉर्ड उसमें को चूक छोड़े आका ही उस लिहाड़े मेरे को सबसे ज्यादा आज तक अरमान लगे। मेरा जवान विराह फौत थी गए मेरे बहुत प्यारे दोस्त फौत थी गए यंग एज के मेरे को आज तक इतना दुख नहीं लगा जितना उस दिहाड़ी मेरे को लगा कि मैं स्टूडेंट हाँ सैकेंड ईयर का तो करे नहीं डॉक्टरी पिया। एक बंदे को मैं गया तो फीस भी टोटल 15,000 रुपये में मंगा गया तो उसमें को यार इन्हें दफा किया इन्हें तो किया कि जिन्हें मैं खुदा न खास्ता पता नहीं कह जुर्म कर बैठा तो उस दिहाड़ी मैं ये ऐद कर छोड़ा कि नहीं मेरे को अल्लाह दिता तो मैं ये वादा करे सा कि यही मेरे को लाया मैं उसको ये ना आखा कि भाई चूक छोड़े मीनार वगैरह ख़त्म हो चुका है तो अब हम घर वापस आ चुके हैं तो उधर काफ़ी हम लेट हो गए थे तो मैंने उधर वीडियो एंड भी नहीं कर सका था और आपको ये भी नहीं सही से बता सका था कि मूसास का मतलब क्या है। मूसास का मतलब कि जो मियाँ वाली के इलाके में इंशाल्लाह बाहर भी तंजीम डॉक्टर साहब शुरू कर रहे हैं लेकिन जो अब मियाँ वाली के इलाकों के अंदर जो FSC कर चुके हैं और उसके बाद वो नहीं पढ़ सकते आगे दाखिला फीस नहीं पे कर सकते तो वो डॉक्टर साहब से रब्ता करें और डॉक्टर साहब उनकी बिल्कुल प्रॉपरली हेल्प करेंगे। मूसास का मतलब ही है मियाँ वाली यूनाइटेड सन्स एंड सिस्टर्स। तो जैसा कि आपने तकरीर में भी सुना है कि डॉक्टर साहब ने यही कहा है कि हमें मियाँ वाली के बच्चे मियाँ वाली के अंदर से जितनी जहालत है उसको ख़त्म किया जाए तो ये मिशन है इनका। इंशाल्लाह ताला इनको इन मिशन में कामयाब करेगा और मूसास को ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की याफ्ता करेगा। तो आज की हमारी वीडियो यही थी। सॉरी मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि 14 अगस्त इस बार भी बहुत अच्छी गुजरी है और हमारी पिछली बार भी बहुत ही अच्छी माशाल्लाह गुजरी थी। इस बार मूसास के साथ और पिछली बार फंक्शन था, अगर आपने फंक्शन वो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है जाके जरूर देखें। तो आज की हमारी वीडियो यही थी। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। अल्लाह।